ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। पूजा पाठ करने में कभी कभी मन नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप मंत्र का जप करते हैं तो उसमें भी मन नहीं लगता है। तो मन न लगने के कई कारण होते हैं। एक तो ये है कि अगर आपका मन हमेशा ही नहीं लगता है, जैसे आप जब भी पूजा करने बैठते हैं या जब भी आप कोई मंत्र का उच्चारण करने बैठते हैं, जैसे आप कोई मंत्र जपते हैं, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, आप ओम नमः शिवाय ही जपते हैं, भगवान भोलेनाथ का मंत्र जपते हैं और जपने बैठते हैं, जब भी जप करते हैं तो आपका मन नहीं लगता, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता। बहुत प्रयास करते हैं फिर भी मन एकाग्र नहीं हो पाता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तब भी आपके साथ में यही घटना होती है, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता है, और बहुत प्रयास करते हैं उसके बाद भी आपका मन एकाग्र नहीं होता है। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि देखिए, जहाँ पर हम अपने घर में रहते हैं तो पूजा पाठ भी जाहिर सी बात है हम अपने घर में ही करते हैं, तो घर में, घर छोटा होने के कारण क्या 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 होता है कि कभी कभी घर के जो सदस्य होते हैं उनके आवाज़ से, या जैसे टीवी चल रही है या अगल बगल कहीं साउंड चल रहा है या कोई डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है, उसकी वजह से भी कभी कभी मन एकाग्र नहीं हो पाता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। जब भी हम कुछ मन को एकाग्र करने की कोशिश करके कुछ करना चाहते हैं तो मन उस समय ज़्यादा भटकता है। जैसे बाहर कोई आवाज़ आई तो वहाँ मन भटक गया, या घर में टीवी चल रही तो उसमें मन भटक गया, किसी ने कुछ बोला तो उसमें मन भटक गया, आपके बच्चे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं तो उसमें मन भटक गया, ऐसा लग रहा है कि गुस्से में उठे उनको जाके पीट दें, तो ये सब डिस्टर्बेंस आपके जीवन में होता रहता है, तो तब भी आपका मन नहीं लग सकता है, कारण ये भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमेशा एकांत में करनी चाहिए, ऐसे समय पे करनी चाहिए जब आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आप डिस्टर्बेंस होगा तो आप अच्छे से ना पूजा कर पाएंगे ना मंत्रों का जप कर पाएंगे। देखिए, आप बहुत बड़े साधु नहीं हैं, आप बहुत बड़े संत नहीं हैं, और आप एक ग्रस्त व्यक्ति हैं, एक आम व्यक्ति हैं, हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो घर में ही रहते हैं, घर में ही पूजा पाठ करते हैं, वहीं से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कहीं गुफा में नहीं जाते हैं कि गुफा में जाके बैठ गए, वहाँ पे जाके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, या बहुत बड़े तांत्रिक नहीं है कि सुरक्षा घेरा लगा लिए, चारों तरफ से कोई कुछ आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, साधारण तरह से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, भाव से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सामग्री नहीं भी होती है तो हम अपने भाव से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है, जैसे जब भी आप पूजा पाठ करें तो एक ऐसे समय का निर्धारण करें जिस समय ज़्यादा आवाज़ ना हो, ज़्यादा लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, ज़्यादा शोरगुल ना हो आसपास। तो सबसे अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ के ये सब चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और इस बदलाव को आप महसूस भी करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाते थोड़ा सा आराम से उठ, 5 बजे उठ जाइए, 5:30 तक उठ जाइए, 6 बजे तक कहने का अर्थ है करने की कोशिश कर लीजिए, नहीं 6 बजे तक कर पा रहे तो 7 बजे तक करने की कोशिश कर लीजिए। तो 7 बजे तक भी अगर आप कर लेंगे उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस कम होता है, शोरगुल कम होता है, मन एकाग्र हो जाएगा आपका, जब डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी हो जाती है कि जब थोड़ा लेट पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, उन विचारों के कारण भी हमारा मन एकाग्र नहीं होता। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह उठ के आपने टीवी देखना शुरू कर दिया, फ़ोन देखना शुरू कर दिया, उसमें कोई मैसेज आ गया या कोई वीडियो आ गई या कुछ आ गया तो आपने देखा, तो वो दिमाग में आपके चलने लगता है, उसकी जो इमेज होती है दिमाग में बनी रहती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप उसके बारे में सोचें या ना सोचें, दिमाग में चलता ही रहता है वो चीज़ें। तो एक कारण ये हो सकता है। तो सुबह सुबह उठ के पहला काम पूजा ही कर लीजिए, या पहला काम जो आप साधना करते हैं साधना ही कर लीजिए। और ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे आपने कभी मंत्र का जप किया नहीं है, जैसे ना साधारण पूजा ही आप करते आ रहे हैं तो मंत्र का जप आपने कभी किया नहीं है, आप एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्र जप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह से व्यवधान आते हैं, लगता है कि हाँ मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपका मन लगने लगेगा, आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप
थोड़ा सा ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करके मन को पूरा शांत करने की कोशिश करिए। शुरू शुरू में आपका मन शांत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके मन शांत होने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। उसके बाद साथ साथ आप मंत्र का जप भी करिए, तो ऐसे में क्या होगी, मंत्र की जो ऊर्जा है आपके इष्ट देव तक पहुँचेगी और इष्ट की जो ऊर्जा है वो आप में धीरे धीरे समाहित होने लगेगी और आप अपना तपोबल भी धीरे धीरे करके बढ़ा लेंगे। आपके ऑरा में भी परिवर्तन होने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। एक कारण क्या हो सकता है आपका मन न लगने का, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। अगर उसमें चंद्रमा खराब है तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन आपका भटकता रहेगा, मन परेशान रहेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केमद्रुम एक योग बन जाता है जब चंद्रमा के इस भाव और अगले वाले भाव में कोई नहीं होता है, तो एक केमद्रुम योग भी बन जाता है। योग तब बनता है जब वो अच्छा हो, और ख़राब होता है तो दोष बन जाता है। तो आप चंद्रमा का भी उपाय करिएगा उसके बाद में, अगर आपके कुंडली में चंद्रमा सही नहीं है तो किसी ज्योतिषी से पूछ के उसका उपाय करा लीजिएगा, तो आपका मन लगने लगेगा। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।